बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला पिछले कुछ दिनों से 5G नेटवर्क के मामले को लेकर चर्चा में हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक्ट्रेस ने 5G नेटवर्क को चुनौती देने वाली याचिका दायर की, जिसे निरस्त करते हुए हाईकोर्ट ने उन पर 20 लाख रुपए का दंड लगाया। उच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, साथ ही कानून का दुरुपयोग करने की बात भी कही। इस पूरे मामले को लेकर जूही चावला ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज के जरिए अपना पक्ष रखा है। जूही चावला ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि आखिर क्यों उन्होंने ये याचिका दायर की थी। इस इंस्टाग्राम वीडियो में जूही चावला ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में शोर के बीच महत्वपूर्ण संदेश खो गया है। नमस्ते। इन पिछले दिनों में इतना शोर हो गया कि मैं तो अपने आप को भी सुन नहीं पाई, और इस शोर में मुझे लगा कि एक बहुत अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज शायद खो गया, और वो था, वी आर नॉट अगेंस्ट 5G, वी आर नॉट अगेंस्ट 5G, इनफैक्ट वी आर वेलकमिंग ऑफ इट। आप प्लीज जरूर लेकर आइए। ऑल वी आर आस्किंग इज दैट द अथॉरिटीज दे सर्टिफाई 5G सेफ। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज आप सर्टिफाई कर दीजिए, अपनी स्टडीज इस पर, रिसर्च इस पर पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर दीजिए, ताकि हमारा ये जो डर है ये निकल जाए, हम सब लोग जाकर आराम से सो जाए। वी जस्ट वॉन्ट टू नो दैट इट इज सेफ फॉर चिल्ड्रेन, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, फॉर अनबॉर्न चिल्ड्रेन, फॉर पीपल हु आर ओल्ड, इनफर्म, फॉर फ्लोरा फौना, ये सब सही है, सेफ है, बस दैट इज ऑल वी आस्किंग, दैट इज ऑल वी आर आस्किंग।